सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र जिसके सामने महान से महान अस्त्र भी नहीं टिक पाते थे, और आज के आधुनिक अस्त्र तो सुदर्शन चक्र के सामने मानो खिलौने से प्रतीत होते हैं। यह पौराणिक काल का एक ऐसा अस्त्र था जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था। माना जाता है कि इसे प्रयोग करने वाला अगर इसे एक बार शत्रु के वध करने के लिए छोड़ देता था तो यह अपना कार्य पूर्ण करने के बाद ही वापस आता था। इसलिए जो भी इसका स्वामी होता था वह इसे केवल सोच समझकर और तभी प्रयोग करता था जब अत्यंत आवश्यक हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के बाद आखिर सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र आखिर कहाँ है। भगवान विष्णु ही सुदर्शन चक्र के स्वामी थे तथा केवल उनके ही अवतारों द्वारा इस शस्त्र का प्रयोग किया जा सकता था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के प्रचंड अग्नि के गर्म राख से किया था, जिसका एक बार ही दुश्मन की मृत्यु को सुनिश्चित कर सके, यानी यह दुश्मन को मार कर ही वापस आता था। वहीं ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र के निर्माण की अनोखी कथा दी है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का प्रतीक बताया गया है, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को ही इसे बांधा हुआ है। सुदर्शन चक्र के प्रयोग करने का जिक्र बहुत ही कम और कुछ महत्वपूर्ण जरूरी क्षणों में किया गया है। सबसे पहले तो उस समय जब भगवान विष्णु ने महादेव शिव के गोद में लेटी माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया था। महाभारत काल में ही एक बार अर्जुन की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए जब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को विशाल कर सूर्य देव को ही ढक दिया, जिससे उनकी रोशनी ही धरती पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कहीं और वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो सुदर्शन चक्र कहाँ गया होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भविष्य पुराण में साफ साफ बताया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस सर्वशक्तिशाली अस्त्र को भगवान विष्णु तथा उनके अवतार के सिवा ना तो कोई धारण कर सकता था और ना ही कोई अन्य इसका प्रयोग कर सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को छोड़ा था तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृथ्वी में समा गया था, और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती में जन्म लेंगे तब एक बार फिर सुदर्शन चक्र धरती के गर्भ से बाहर आएंगे। कलयुग में जब बुराई अपनी हदों को पार कर लेगा और चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब बजरंगबली हनुमान जी एवं भगवान परशुराम कल्कि अवतार के साथ धरती में इस बुराई को खत्म करने के लिए आएंगे, और कल्कि जी अपने सुदर्शन चक्र से बुराई रूपी काल का वध कर डालेंगे। परंतु ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र की एक नई परिभाषा दी गई है। सुदर्शन चक्र के बारे में अब तक जैसा सुनते आए हैं, ऋग्वेद में ठीक इसके विपरीत ही है। दरअसल सुदर्शन चक्र समय का चक्र है तथा भगवान विष्णु इस समय को चलाते हैं। समय के अंतराल का प्रयोग कर वे किसी भी विरोधी के कमजोरी को पकड़ उसकी हर शक्ति खत्म कर देते हैं। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया तब उन्होंने अन्य लोगों से अपने उस रूप को छुपाने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था और कुछ क्षण के लिए समय को ठहरा दिया था। उस रुके हुए समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म मृत्यु के मोह को दूर करने वाली भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ऋग्वेद कहता है कि सुदर्शन चक्र कोई वस्तु नहीं थी जिसे लोग देख सके या स्पर्श कर सके, यह तो पूरी सृष्टि के पालनहर्ता भगवान विष्णु का एक अभेद गुण है जो सिर्फ और सिर्फ उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा।
यह एक ऐसा विशेष चक्र था जिस पर भगवान विष्णु ने महारत हासिल कर ली थी और जिस कारण ही वह समय को कंट्रोल कर सकती थी। आपकी सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।